माता जी। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल दूध से बना चंद्रघंटा माता का प्रिय भोग मिठाई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर गैस पर हम कढ़ाई को रख देते हैं। इसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी डाल देते हैं, इससे हमारा दूध चिपकेगा नहीं कढ़ाई में। इसमें हम 1 लीटर दूध डाल देते हैं। दूध को हम अच्छे से उबाल लेते हैं। दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसको हम चलाते रहेंगे। इसी तरह से चलाते हुए दूध को हम गाढ़ा कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूध को चलाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा दूध थोड़ा सा थिंक हो चुका है। इसको हम और थोड़ा सा हम पका लेते हैं अच्छे से। ये देखिए दूध आधा पककर हो चुका है। और जो किनारे में जो मावा जो हो जाता है ना, किनारे के मावा को निकाल कर हम बीच में करते जाएंगे और इसको हम अच्छे से हम पका लेते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है दूध हमारा। अब इसमें हम 1/4 कप हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। शक्कर आप अपने मीठे के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट और इसको हम पका लेते हैं और गाढ़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए मावा हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ठंडा हो चुका है। हाथ में थोड़ा सा इसको डो कर लेकर हम इस तरह से बनाकर हम देख लेते हैं। ये हमारा मिठाई बनने के लिए तैयार है। हाथ में हम थोड़ा सा हम घी लगा लेते हैं अपने हथेली पर और इसमें थोड़ा सा हम डो ले लेंगे नींबू के आकार के। आप इसको बड़ा छोटा कोई सा भी शेप में बना सकते हैं ना। आपको बड़ा छोटा चाहिए उस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको हम हाथ पर इस तरह से लेके चिकना कर लिए हैं और इसको हम थोड़ा सा ये हाथ से उंगली से दबा लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसमें हम बादाम को हम इसमें लगा देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा बन चुका है। इसी तरह से हम सभी को हम बना लेते हैं सभी मिठाई को। ये हमारा चंद्रघंटा माता का प्रिय भोग बन के तैयार हो चुका है। इस नवरात्रि आप भी बनाइए माता को प्रसन्न करने के लिए इनका प्रिय भोग मिठाई, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।